हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी ये काले चने। तो यहाँ पे काले चनों को मैं दो तरीके से बनाऊंगी, सूखे और तरीदार। तो काले चने एक बहुत ही टेस्टी सी डिश होती है काले चने की, अगर अच्छे से मसाला वगैरह भून के बने तो। नॉन वेज को भी पीछे छोड़ देती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी ले रही हूँ काले चने की, इसको भिगो के डाल दिया है मैंने प्रेशर कुकर में स्टीम करने के लिए। तो करीब आधा घंटा 35 मिनट रखने के बाद, उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी गैस से। और ये देखिए बॉयल हो चुके हैं अच्छे से, इसको मैं निकाल लूँगी सारे को प्रेशर कुकर में से। इस तरह से चने को अलग कर दूँगी और पानी को रहने दूँगी कुकर में, और इसको लगाऊँगी मैं अब तड़का। तो अब तेल गर्म हो चुका है, उसमें डाल दिया मैंने जीरा, और यहाँ पे डाल दिए मैंने 2 कटी हुई प्याज। तो प्याज को अच्छे से भून के इसको हल्का सा ब्राउन करना है। देखिए थोड़ी देर चलाने के बाद इस तरह से हल्का ब्राउन हो चुका प्याज अब। तो इसमें डाल दूँगी मैं लहसुन अदरक और एक हरी मिर्च का पेस्ट करीब 2-2.5 चम्मच, और इसको भी अच्छे से भून लूँगी 1-1.5 मिनट तक। इस तरह से चला लेना अच्छे से। तो अब ये भी भुन चुका है पेस्ट। तो यहाँ पे डालूँगी मैं हींग, और उसके बाद हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और साथ में धनिया पाउडर और नमक ज़रा सा, इसको मिला लूँगी अच्छे से। हल्का सा स्टर करना है इसको, ताकि ये जो सूखे मसाले डालें वो भी थोड़े से हल्के से भुन जाएं इस तरह से। अब 1 चम्मच में यहाँ पे आधा चम्मच के करीब आमचूर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो चाहो तो नहीं, लेकिन बड़ा ही अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आता है चने में। चने वैसे भी अच्छे लगते हैं हल्के खट्टे खट्टे से। तो यहाँ पे डाल दिए मैंने करीब 2 से 3 टमाटर के कद्दूकस करके डाल दिए टमाटर को, और इसको मैं ढक्कन लगा के पानी डाला थोड़ा सा चने का, और ढक्कन लगा के थोड़ी देर इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो देखिए ग्रेवी बन रही है धीरे धीरे से, और ग्रेवी को जो है वो अच्छे से भूनना है, तभी जो है इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और ये देखिए ग्रेवी ऑलमोस्ट पक चुकी, और देखिए तेल जो है वो ग्रेवी में से बाहर आ गया है, इसका मतलब है कि अच्छे से पक चुका है मसाला जो है। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं चने उबले हुए, और इसको अच्छे से स्टर करते हुए अच्छे से चलाना है, और इसको करीब 10-12 मिनट तक इसी ग्रेवी में अच्छे से पकाना है, तभी जो है वो इसका टेस्ट आएगा अच्छा सा। और बहुत चटपटा सा टेस्ट आता है इसका चने का, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं चने। तो इस तरह अगर आप बनाओगे तो आपको इसका टेस्ट नॉन वेज से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस तरह से इसको चलाते जाना अच्छे से, और ज़रा सा मैं इसमें डालूंगी चने का पानी। और इसको थोड़ा सा चला के और फिर ढक्कन लगा दूंगी मैं, और ढक्कन लगा के करीब 1 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे, तभी जो है इसका टेस्ट अच्छा आएगा, और सारे मसाले इसमें एक एक चने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और देखिए तेल छूट गया है, इसका मतलब जो चने हमारे बहुत ही यमी से बने हैं। और इसमें डालूंगी अब मैं गरम मसाला, या आपके पास चने का मसाला है, चने मसाला जो होता है वो है, तो वो भी डाल सकते हो। तो बहुत ही चटपटी सी बनते हैं ये चने, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप चाहो चाट की तरह खा सकते हो इसको, इसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल के काट के, नहीं तो इस तरह भी आप अगर इसको चपाती के साथ खाओगे या बिना चपाती के एक स्नैक्स की तरह खाओगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और देखिए कितने यमी बने हैं, और बहुत ही टेस्टी बने थे खाने में एक्चुअली। तो इस तरह से अब दूसरे तरीके से मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई करने तक का वही प्रोसीजर है जो मैंने पीछे किया। तो अच्छे से इसको इस तरह से हल्का हल्का सा मैश कर लेना है, और अगर अब हमें तरी लगानी है इसको, पानी डालूँगी अब इसमें जो चने का था, और इसको इस तरह से तरी दार बना के चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं खाने में।
तो यहाँ पे मैं इस तरह से हल्का हल्का सा इसको मैश कर लूँगी। अगर मैश नहीं करने हो तो फिर चने अलग दिखते हैं और पानी अलग दिखता है, तो इस तरह से इसको हल्का हल्का मैश कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट में कर लिया है, तो कुछ चने दिखने भी चाहिए, ऐसा नहीं है सारे मैश ही कर देने हैं। तो इस तरह से थोड़े मैश कर लिए मैंने और थोड़े चने जो हैं वो साबुत रख लिए। और इससे क्या होगा, वो जब पानी डालेंगे चने का तो अच्छे से जो मैश किए होंगे चने उसकी ग्रेवी बड़ी ऐसी बन जाएगी और जो चने होंगे वो भी अच्छे दिखेंगे। तो चलिए अब मैं डाल दूँगी इसमें जो चने का पानी था वो डाल दूँगी। अब मैश किए हुए चने और जो साबुत है उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए अच्छे से मिक्स हो गया सारा ग्रेवी तड़का। अब डाल दूँगी मैं इसमें जो चने का पानी था वो, और इसको बॉयल आने तक पकाना है, या आप जितना पकाना चाहो उतना पका सकते हो, ज़्यादा देर तक भी। अब इसको मैं एक बॉयल आने तक पकाऊँगी यहाँ पे, और देखिए बॉयल आ गया अच्छे से। तो ढक्कन लगा के इसको पका लेना है अच्छे से करीब 2-3-4 मिनट तक। तो यहाँ पे मैं ढक्कन हटाऊँगी, करीब 3-4 मिनट हो गया उबलते हुए चने को। और अब इसको मैं हरे धनी के साथ गार्निश कर दूँगी इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी तरी बन के कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं चने इसमें, देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो ये चने इस तरह से तरी लगा के चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी। तो देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है ये चने की दाल, काले चने की, और बहुत ही यमी है बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी थी सच में। और अब इसको कर दूंगी प्लेट। और यहाँ पे प्याज का सैलेड है, साथ में ये हरी चटनी जो मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी, और साथ में चावल, तो आओ मज़ा ही आ जाएगा। तो मेरे तो यहाँ पे पर्सनल फेवरेट हैं काले चने, और इस तरह से काले चने की दाल बना के खाना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ही बनाएं और एंजॉय कीजिए इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बढ़िया खाना खाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में ही जाना पड़े, आप घर में पड़ी हुई नॉर्मल चीज़ों से भी अच्छा खाना बना सकते हो। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। एंड प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे और भी इस तरह की इजी रेसिपी आती रहेंगी, एंड थैंक यू।